मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के प्रति सख्त हैं। उनके निर्देश पर माफियाओं की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। इससे इतर यूपी के फतेहपुर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर खाकी वर्दी वाले भूमाफियाओं के भेष में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिए एसडीएम ने ग्राम प्रधान की शिकायत पर थाना प्रभारी को सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए आदेशित किया। थाना इंचार्ज ने एसडीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए भू माफियाओं के पक्ष में थाने से दो सिपाहियों को मौके पर बैठाकर अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मामला फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ग्राम अजतुपुर चक अब्दुल्लापुर का है, जहां ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने गांव के ही चंद्रपाल, जगमोहन, जय सिंह व विजय सिंह के खिलाफ एसडीएम खागा को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें ये आरोप लगाया कि ये लोग वन विभाग की गाटा संख्या 31 व 32 जो वन विभाग के नाम दर्ज है उस भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। एसडीएम ने ग्राम प्रधान के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए थाना इंचार्ज को आदेशित किया कि भूमि पर अवैध कब्जा न होने दें। जब ग्रामीणों ने थाना इंचार्ज को फोन कर इसकी शिकायत की तो ग्रामीणों को फोन पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। वहीं ग्राम प्रधान सुनीता देवी के पति शिवसागर ने मीडिया को बताया कि हमारे गांव में वन विभाग व स्कूल की सरकारी जमीन पर गांव के कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने जिम्मेदार अधिकारियों से की है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस मौके पर खुद बैठकर अवैध निर्माण करवा रही है। वन विभाग और प्राइमरी स्कूल है, हम उसे मना कर रहे हैं, वो जबरन बना रहा है और हमें गाली विवाद भी देता है। तो इसकी शिकायत कहीं की? इसकी शिकायत हमने डीएम साहब को किया और थाना इंचार्ज को भी दिया। वो उसे पुलिस वाले जबरन बनवा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में बन रहा है। ये वो वन विभाग की जगह है, ये गलत तरीके से। हाँ, गलत तरीके से किसी तरह से विरोध नहीं आप लोगों ने किया? कहीं एप्लीकेशन दी, कोई शिकायत? एप्लीकेशन दिया, 10 दिन रुका रहा है। अच्छा, आज फिर चालू किया है। एप्लीकेशन दिया था? हाँ, एप्लीकेशन कहाँ दिया था? अरे वो एसडीएम से आदेश करा के थाने चौकी में दे दिया। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि जो पुरानी जमीन है हमारी, पुश्तैनी जमीन है, हमारा पुराना कब्जा है। आपकी उम्र के हिसाब से कब से कब्जा होगा इसमें? सर, 92-94 में चकबंदी हुई है, तब ये वन विभाग छूटा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक और प्रदेश के मुखिया सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस विभाग के सरकारी मुलाजिम ही मौके पर बैठ खुद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश के मुखिया का सपना कैसे साकार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फतेहपुर से नाव 44 के लिए बबलू सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज